दोस्तों ये वीडियो आखिरी तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे नियम बताए गए हैं, बीच में ही छोड़ दिया या फिर थोड़ा सा ही देखा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। कृपया इस बात का ध्यान रखें। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, पाप होता है। तो उन्हीं में से कुछ लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि मांस खाना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं है। तो आज बुद्ध के जीवन की इस घटना से आपको ये ज्ञात होगा कि बुद्ध इस पर क्या कहते हैं। बहुत समय पहले जब बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम थे, ये उस समय की बात है। तब उस समय 500 लोग ऋषि बन गए थे और वो लोग हिमालय में जाकर रहने लगे, ध्यान साधना करने लगे, तपस्या करने लगे। वो बहुत साल तक वहाँ रहते हैं। हमेशा जंगल में रहने के कारण, हिमालय पर्वत पर रहने के कारण बहुत दिन तक उन लोगों को दिक्कत आने लगी, क्योंकि उन्हें वहाँ फल फूल पत्ते आलू यही सब खाने को मिलता था। नमक खटाई इन सब से वो पूरी तरह वंचित थे, क्योंकि किसी भी जंगल में उन्हें ये सब नहीं मिलता था। अब इस वजह से उन्हें समस्या होने लगी। वो नमक ना मिलने के कारण बीमार रहने लगे। तब वो 500 ऋषि आपस में ये तय करते हैं कि वो किसी गांव में जाकर रहेंगे और वहीं का स्वस्थ भोजन करेंगे, और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब वापस हिमालय पर्वत पर आ जाएंगे। तब वो सभी ऋषि गांव में आते हैं। जब गांव के लोग 500 ऋषियों को देखते हैं तो उन्हें देख बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके गांव में ऋषि मुनि पधारे हैं। वो लोग उनकी खूब सेवा सत्कार करते हैं, लेकिन उन सभी ऋषियों का एक दृष्टिकोण था कि उन्हें कभी भी मांस मच्छी नहीं खाना है, क्योंकि जो लोग ये सब खाते हैं वो पापी हैं और पूरी तरह से अशुद्ध होते हैं, इसलिए वो भी मांस मच्छी नहीं खाते थे। वो ऋषि उन गांव के लोगों को भी यही उपदेश दिया करते थे कि मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, ये पाप होता है। अब वो ऋषि कुछ समय बाद जब स्वस्थ हो जाते हैं तो वापस जंगल चले जाते हैं। अब वो ऋषि क्या करते हैं कि साल भर जंगल में रहते हैं और साल में एक बार कुछ दिन के लिए गांव की तरफ आते हैं और अच्छे से भोजन कर स्वस्थ ठीक ठाक होकर वापस चले जाते हैं। वो जब गांव में आते वहां के लोग उनकी खूब सेवा करते, आदर सत्कार करते, उन्हें मानते, उनकी पूजा करते, क्योंकि ऋषि उनके घर आए हैं। ऋषि भी जब तक वहां रहते उन्हें उपदेश दिया करते थे। एक बार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब महात्मा बुद्ध बन जाते हैं तब एक बार बुद्ध उस गांव में आते हैं और कुछ दिन वो वहां पे रहकर उस गांव के लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं, सत्य से अवगत कराते हैं। गांव के लोगों ने जब बुद्ध की बातें सुनी तो बहुत हैरान हुए और धीरे धीरे करके बुद्ध की बातों पर यकीन करने लगे। वो सभी एकदम बदल जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। वो लोग धर्म का आचरण करने लगे थे। कुछ दिन बाद बुद्ध जब वापस चले जाते हैं तब वो ऋषि लोग वहाँ पे आते हैं, लेकिन इस बार वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये लोग इस बार बदले बदले से हैं, पहले की तरह सेवा सत्कार भी नहीं कर रहे। उन्होंने उनमें इस बदलाव का कारण पूछा। तब उस गांव के लोग कहते हैं कि हाँ, महात्मा बुद्ध पधारे थे, उनके धर्म पर उपदेश सत्य प्रवचन ने सबको बदल दिया और तभी आपको ये बदलाव दिख रहा है। तब वो ऋषि बुद्ध का नाम सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन ऋषि ने आज तक ये सुना था कि बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत मुश्किल है। जब ये पता चलता है कि बुद्ध इस गांव में आए थे तब वो और हैरान हो जाते हैं। तब वो बड़ी ही हैरानी से गांव के लोगों से पूछते हैं कि क्या बुद्ध यहाँ आए थे और क्या वो मांस खाते हैं। उन ऋषि का दृष्टिकोण अभी यही होता है कि मांस खाना पाप है। तब गांव के लोग उनसे कहते हैं कि नहीं, बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने कोई मांस मच्छी खाने से
मना किया है। ये सुनते ही ऋषि कहते हैं, क्या वो ऐसा मानते हैं? इसका मतलब है कि वो बुद्ध नहीं है, कोई और है, लेकिन फिर भी हमें मिलना चाहिए। यदि बुद्ध हुए तो उनसे मिलकर हम सब का कल्याण होगा, और यदि बुद्ध नहीं हुए तो कोई नहीं। तब वो 500 ऋषि ये तय करते हैं बुद्ध से मिलने के लिए चला जाएगा। बुद्ध के पास जब वो पहुंच जाते हैं, वो उनसे मिलते ही सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आप आम गंध यानी मांस खाते हैं? बुद्ध कहते हैं कि जी, हम भोजन करते हैं, मांस खाते हैं। ऋषि ये सुनते ही कहने लगते हैं, लेकिन ये तो पाप है, इसे खाने से आपका शरीर अशुद्ध होता है, इसे खाने से जीवन में अशांति फैलती है। तब बुद्ध उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप ही बताएं, आम गंध यानी गमकना किसे कहते हैं? तब ऋषि कहते हैं कि जो मांस मच्छी खाते हैं वो गमकते हैं, उनमें से गंध की महक आती है। तब बुद्ध कहते हैं कि वही भोजन करने से कोई अशुद्ध नहीं होता। बुद्ध उन ऋषि से कहते हैं कि जो लोग प्राणी हत्या करते हैं, जो दूसरों को दुख तकलीफ देते हैं, जो लोग दूसरों की हत्या करते हैं, उनके हाथ पैर काटते हैं, जो दूसरों को ठगते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, दूसरों से क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जो लोग किसी और की पत्नी के पास जाते हैं, ऐसे विचार सोचते हैं, उन लोगों का जीवन ही असली गमक है। बुद्ध उन ऋषिवर से आगे कहते हैं कि जो पुण्य पाप पर विश्वास नहीं करते, जो अकुशल रहते हैं, पाप करते हैं, वही लोग असली गमक हैं यानी अशुद्ध हैं। यहाँ गमक का अर्थ है अपरी अशुद्ध। ऐसे लोग भविष्य में दुखी रहते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। बुद्ध फिर आगे कहते हैं कि यही नहीं मुनिवर, जो लोग क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कपटी होते हैं, अंधविश्वासी अहंकारी होते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से अशुद्ध होता है। महात्मा बुद्ध उनसे और कहते हैं कि आम गंध यानी मांस मच्छी खाने से पाप नहीं होता, हम अशुद्ध गमक नहीं होते, बल्कि असली पाप तो तब है जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ दूसरी स्त्री के पास जाता है। जो लोग चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, ये सब करने से हम अशुद्ध होते हैं, ना कि मांस मच्छी खाने से। ये ही सब जीवन का असली गमक है, अशुद्धि है। बुद्ध की ये बात सुनकर वो सभी ऋषि ये महसूस करते हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो बुद्ध की बात सुन एक अलग ही अनुभव महसूस करते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो हम जैसे सामान्य नहीं हैं। वो किसी भी व्यक्ति के मन को देखकर बुद्ध उसके अच्छे बुरे, क्या सही है क्या गलत है, सब वो आसानी से बता सकते हैं। वो उनके कर्म को पहचान जाते हैं, और ये बुद्ध ही कर सकते हैं। भगवान बुद्ध सब जानते हैं। बुद्ध से सभी ऋषि बहुत प्रभावित हो जाते हैं, और सभी ऋषि बुद्ध के भिक्षु संघ में सम्मिलित हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध मांस मच्छी खाने के विरोध में नहीं थे। महात्मा बुद्ध एक व्यक्ति से कहते हैं कि जीवक, हम तीन प्रकार का मांस खाने के लिए मना करते हैं। पहला दिक्तम सूत्र, ये वो मांस होता है जो आपके लिए लाया गया हो, अर्थात यदि केवल आपके लिए किसी प्राणी को मारा गया हो और आप ये जानते हैं कि वो मांस आपके लिए मारा गया हो, तो वो मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए। दूसरा अश्रुतम यानी सुनने को मिलता, यदि आपको ये सुनने को मिलता है कि ये मांस आपके लिए काटा गया, तो वो मांस आपको नहीं खाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के घर जाते हैं और वो आपके लिए भोजन में मांस कटवा कर लाता है और बनाकर आपको खाने के लिए देता है, और जब आपको ये पता चलता है कि ये मांस आपके लिए काटा गया है, तो वो मांस आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए किसी जीव की हत्या की गई है जिसे आप खा रहे हैं जानते हुए भी। तीसरा अपारिष्ख्यतन
अर्थात यदि आपको जरा सा भी शक होता है कि ये मांस आपके लिए है तो वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। यानी बुद्ध ये तीन प्रकार के मांस को खाने के लिए मना करते हैं। तब वो व्यक्ति पूछता है कि फिर किस तरह का मांस हम खा सकते हैं। तब बुद्ध कहते हैं, तीन प्रकार का मांस हम खा सकते हैं। पहला, यदि आपने नहीं देखा हो कि वो मांस आपके लिए है। दूसरा, जिस मांस के बारे में ना आपने सुना। तीसरा, ना उस मांस पर आपको शक हुआ कि ये आपके लिए मारा गया है, उस मांस को आप खा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बुद्ध संघ को या आर्य समाज को भोजन दान में देने के लिए किसी प्राणी को मारता है तो वो पांच तरह के पाप करता है। पहला, यदि वो व्यक्ति दान देने के लिए किसी अन्य से बोलता है कि जाओ मुर्गा या मछली लेकर आओ, तो उसके बोलने से भी उसे बहुत बड़ा पाप लगता है, चाहे वो किसी को दान देने के लिए या किसी अन्य को या घर के सदस्य को खाना खिलाने के लिए ये बोलता है, तब भी उसे पाप लगता है। दूसरा, बुद्ध कहते हैं कि दूसरा बड़ा पाप ये होता है कि जब वो व्यक्ति जीव को मारने के लिए बोलता है और तब कोई उस जीव को, चाहे मुर्गा हो, मछली हो, बकरा हो, कोई भी, तब उसे ज़बरदस्ती पकड़कर खींच कर लाते हैं और वो जीव चिल्लाता है, तो ये भी बहुत बड़ा पाप होता है जिसका अभागी वो व्यक्ति बनता है। तीसरे पाप में जब वो व्यक्ति किसी जीव को मंगवा कर उसे कटवाने के लिए भेजता है और कहता है कि जाओ इसे काट दो, तब वो बहुत बड़ा पापी बनता है। चौथे पाप में जब वो ये बोलता है कि उसे मार दे और तब उस जीव की गर्दन काटी जाती है, तब भी ये बहुत बड़ा पाप होता है। पांचवे पाप में इस तरह से तैयार किए गए भोजन में जब किसी जीव को मारकर और उसे बनाकर खाने के लिए दिया जाता है किसी भिक्षु संघ को, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा मांस खाना मना होता है और जो उन्हें खिलाता है वो भी पाप का अभागी बनता है। यानी कि जब जानवर को लाने के लिए बोला जाता है तब उसे पाप मिलता है, फिर जब उसे ज़बरदस्ती पकड़कर खींच कर लाया जाता है तब पाप लगता है, फिर जब उसे काटने के लिए भेजा जाता है तब पाप लगता है, फिर जब वो उस चिल्लाते हुए जीव को मारा जाता है तब पाप लगता है, और सबसे आखिर में जब भगवान बुद्ध को या भिक्षु को, संघ को ये मांस खाने के लिए दान दिया जाता है तब पाप लगता है, क्योंकि ऐसा भोजन इस तरह से तैयार करके दान में भिक्षु संघ का अपमान होता है, जो कि पाप का अभागी माना जाता है, क्योंकि प्राणी हत्या मना है। बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति बाजार में जाकर जीव खरीदता है तब भी वो पाप का अभागी बनता है, क्योंकि जब कोई दुकानदार जिंदा जीव मुर्गा या मछली बाजार से लेकर जाता है और फिर वो स्वयं उसे काटकर बेचता है तब भी वो पाप का भागी बनता है। और यही नहीं, जो व्यक्ति बाजार में जाकर जीव हत्या करवाता है कि ये उसे मीट खरीदना है और वो उसे काटकर घर जाकर बनाता है और खाता है, तो बेचने वाले के साथ खाने वाला भी पाप का भागी बनता है, क्योंकि उसके कहने पर उस जीव की हत्या होती है। यदि वो नहीं खरीदता तो वो काटा नहीं जाता, इसलिए भगवान बुद्ध साफ ये कहते हैं किसी भी प्राणी की हत्या करके इस तरह का मांस नहीं खाना चाहिए। बुद्ध मांस मछली खाने के लिए मना नहीं करते, उन्होंने तीन तरह का मांस खाने के लिए मना किया है और तीन तरह से ही खाने के लिए कहा है, तो जो बुद्ध ने कहा है वही मांस खाना चाहिए। यानी कि जिंदा जीव कटवाकर मत खाओ, बल्कि मरा हुआ मांस खाओ, उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी जीवित जीव को मार कर खाओगे तो आप पाप के भागी बनोगे। इसलिए मांस खाने से पहले ये पता कर लें कि वो मांस किस प्रकार से बना है। यदि मरे हुए जीव का बना है तो ठीक है, और यदि आपके लिए काट कर बनाया जाता है तो मत खाओ। इसी तरह एक बार देवदत्त बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे पांच नियम बनाने के लिए कहते हैं। वो ये नियम जानबूझकर बनाने के लिए बुद्ध को कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि बुद्ध
इस नियम को नहीं मानेंगे, जिससे संघ भेद होगा और वो अपना अलग संघ बनाएंगे सबको साथ ले जाकर, ताकि वो भी बुद्ध जैसे बन सके। यदि कोई सामान्य लोग इस नियम को सुने तो उन्हें शायद ये उचित लगे, लेकिन बुद्ध को ये नियम नहीं पसंद आते। देवदत्त पहला नियम कहते हैं कि सभी भिक्षुओं को जंगल में रहना होगा, गांव में नहीं। भिक्षुओं को जीवन भर पेड़ के नीचे ही सोना है, कुटिया में नहीं। 500 चीवा ही प्रयोग करना होगा, ऐसा चीवा जो फेंका हुआ हो, वो चीवा इस्तेमाल नहीं करना है जो किसी उपासक ने लाकर दिया हो। भिक्षुओं को केवल पिंड पात्र भोजन करना होगा, किसी के घर आमंत्रण पर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए, किसी का भी आमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। और आखिरी नियम ये है कि किसी भी भिक्षु को जीवन भर मांस मछली नहीं खाना है। तब बुद्ध बड़े ही प्रेम से देवदत्त से कहते हैं कि ये सब छोड़ो देवदत्त, यदि किसी भिक्षु को पेड़ के नीचे रहना है तो वहाँ रहे, यदि किसी को कुटिया में रहना है तो वहाँ रहे, गांव में रहना है तो वहाँ रहे, जिसे पिंड पात्र में भोजन करना है तो वैसे करे, यदि किसी को आमंत्रण स्वीकार करना है तो करे, जिसको जैसे जीवन व्यतीत करना है वैसे करे। तब आगे बुद्ध मांस मच्छी पर कहते हैं कि छोड़ो देवदत्त, मैं तीन प्रकार का ये पारिशुद्ध बता चुका हूँ, यदि ये तीन प्रकार से पारिशुद्ध है तो मांस मछली खाना चाहिए, और यदि इन तीन प्रकार से अपारिशुद्ध है तो मांस मछली नहीं खाना चाहिए। अब आपको बता दें कि बुद्ध ने जो 10 प्रकार के मांस भिक्षुओं को खाने के लिए मना किए थे, वो मांस है मनुष्य का मांस। मनुष्य मांस खाने के लिए मना किया है, क्योंकि एक बार एक स्त्री ने एक भिक्षु को दान करने के लिए मांस खोज रही थी लेकिन उसे कहीं मांस नहीं मिला। तब उसने अपनी श्रद्धा से उस भिक्षु को अपना ही मांस काट कर दे दिया, ताकि वो भिक्षु पूजा कर सके। जब वो दान देने के लिए बाहर आई, तब उस स्त्री के शरीर से रक्त बह रहा था। तब ये बात बुद्ध को पता चली कि एक स्त्री ने अपनी श्रद्धा में ये सब किया है। तब उन्होंने मनुष्य के मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला है हाथी का मांस। हाथी का मांस खाने के लिए बुद्ध मना करते हैं। घोड़े का मांस मना है, कुत्ते का मांस मना है, इसी तरह शेर, बाघ, चीता, सांप, भालू इत्यादि इस तरह के मांस खाने के लिए बुद्ध मना करते हैं। लेकिन आप बकरा, मुर्गा, मछली का मांस खा सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने इसे भी तीन तरह से ही बताया है कि मांस खाना चाहिए या नहीं, बस उसका ध्यान रखें, वरना आप पाप के भागी बन जाएंगे। तो बुद्ध द्वारा बताए गए इस सत्य मार्ग पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये उनके द्वारा बताया गया है। बुद्ध कहते हैं, कभी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि इस सब से हमें पाप मिलता है, मांस मछली के खाने से नहीं। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही आपको पाप और पुण्य मिलता है। कोई भी हो, वो यदि अच्छे कर्म करेगा तो उसका जीवन अच्छा होगा, और बुरे कर्म करेगा तो बुरा होगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने कर्म कैसे रखते हैं। ऊंच नीच से या मांस मछली खाने का पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है, सब आपके कर्म पर निर्भर है। बस अपने कर्म ठीक रखें और सत्य की राह पर चलें। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ आई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आखिरी तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे नियम बताए गए हैं, बीच में ही छोड़ दिया या फिर थोड़ा सा ही देखा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। कृपया इस बात का ध्यान रखें।